You now do not need wings to fly or dine in the sky. जी हाँ, आपने सही सुना. Welcome to Sky Dining in Thane. Wait, what and where is this happening, Arushi? यार ये काफी अच्छा व्लॉगिंग सेटअप नहीं है. कार ऐसे चल रही है, हम बात कर रहे हैं. धूप इज गुड, इट्स द गोल्डन आवर ऑफ द डे. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. आज एक नया एक्सपीरियंस है चैनल पे जो आ रहा है, जो मेरे मिनी बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से था और फाइनली हम ये एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं. स्काई डाइनिंग करके एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में काफ़ी 2-3 ईयर्स से आया है एंड थाने में ऐसा एक लोकेशन है जहाँ पे स्काई डाइनिंग होता है. ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला. भिवंडे थाने के बीच में है साया ग्रैंड रिसोर्ट करके एक प्रॉपर्टी. तो वी हैव ऑप्टेड फॉर द सनसेट वाला चीज़ जो 45 मिनट्स का होने वाला है. 120 फीट अबव द ग्राउंड लेवल वी गुड बी डाइनिंग. कॉन्सेप्ट बहुत ही कूल है. आउच, सिद्धेश ऐसा गाड़ी चलाते ना कभी कभी, दिस गाय डजंट ड्राइव, गाली देगा बिहाइंड द सीन्स. तो इस जर्नी के पूरे डिटेल्स, मतलब क्या कॉस्टिंग है, कहाँ पे क्या सर्व होगा, आपको क्या क्या एंटरटेनमेंट मिलेगा, आप किस चीज़ों के लिए बुक कर सकते हो, क्या क्या अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में कवर होगी. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सरप्राइजिंग एनी वन, 120 फीट, डू समथिंग क्रेजी, बर्थडे बैश करना है, कुछ सेलिब्रेट करना है, कोई किसी को प्रपोज करना है, तो दिस लोकेशन कैन बी अ गुड आइडिया. तो वील फाइंड आउट टुगेदर कि ये लोकेशन वर्थ इट है ऑल द मनी और नॉट. सो लेट्स गो. मेरे को कॉन्सेप्ट हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था. थाने में नियर बाय जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कहीं नहीं था, तो जैसे ही मुझे पता चला यहाँ ओपन हुआ, आई हैड टू कम. स्काई डाइनिंग ये एक ब्रांड है विच इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड होस्टिंग डिनर्स इन द स्काई. और ये डाइनिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं टू मेक योर ओकेजन अ लिटिल एक्स्ट्रा स्पेशल. वहाँ जाते ही डेक्लरेशन फॉर्म आपकी सेफ्टी के लिए फिल करना होता है और उसके बाद ही आप आसमान में उड़ सकते हो. आपका पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा. सीट बेल्ट जैसे हम रोलर कोस्टर राइड पे लगाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे दे बेल्ट यू अप ऑन द चेयर. वी हैव ऑप्टेड फॉर द सनसेट क्रूज एंड सनसेट क्रूज में ऑल्सो वी हैव लाइक अ लिटिल मेन्यू. वी हैव स्टार्टर्स, वी हैव पनीर टिक्का, वी हैव मॉकटेल्स एंड वी हैव डेजर्ट्स. आप टेस्ट कैसा होगा ऊपर जाके बताऊंगी जब खाऊंगी ऊपर जाके. जैसे ही क्रेन की मदद से हम ऊपर जाते हैं, नॉर्मली 2-3 मिनट्स लगता है ऊपर जाने को. 45 मिनट्स यू आर इन द एयर एंड देन 2-3 मिनट्स अगेन टू कम डाउन. सो ये एंटायर पैकेज आपके लिए 1 घंटे का है. और जैसे आप ऊपर जाते हो थोड़ा धक धक तो होता है. ओके, दिस इज एन एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस. नीचे देखो तो फट जाएगी, बट द सन इज सेटिंग एंड आई गेस दिस इज द बेस्ट टाइम टू. इट्स सो ब्यूटीफुल. यहाँ का खाना देखने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना ही खाने में डिलीशियस था. और वही नेक्स्ट टेबल पे एक्चुअली एक कपल का बर्थडे था एंड दे सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे. सो वी एग्जैक्टली सॉ हाउ द सेलिब्रेशंस आल्सो गो. थोड़ी देर में द स्काई एक्चुअली टर्न्स पिंक और ये सनडाउनर पैकेज एक्चुअली बहुत वर्थ इट है. आज जैसे ही सनसेट हो रहा है उसको आसमान में देखते देखते अपनी फेवरेट डेजर्ट खाने का मज़ा अलग है. और जैसे ही वहाँ सूरज ढलता गया वैसे रात की पार्टी शुरू हो गई. ये सनसेट का एडवांटेज ये है कि आपको मॉर्निंग का भी व्यू मिलता है, आपको नाइट का भी व्यू मिलता है. लाइक दोनों व्यूज़ के आप मज़े ले सकते हो. जैसे ही हम नीचे आए ना वैसे ही स्काई डाइनिंग के मैनेजर से थोड़ी बात हुई. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड मुझे बहुत मज़ा आया. मतलब हॉस्पिटैलिटी टॉप नॉच, फूड वाज गुड, सो दैट वाज द बोनस. एंड जो फीलिंग थी, मतलब हमने जो सनसेट वाला लिया था वो बहुत सही था. मतलब एकदम टाइम पे हम पहुँचे, वी सॉ द इनक्रेडिबल सनसेट. तो इंडिया में कितने आप कहाँ मतलब केटर करते हैं? हमारी स्काई डाइनिंग की जो ब्रांचेस है इंडिया में, जयपुर में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मनाली में और महाराष्ट्र में अभी 2 चालू हुई है. एक पुणे में है और ये हमारा लास्ट वाला 6 है, वो बॉम्बे में ठाणे में है. वी आर एट अ लवली लोकेशन कॉल्ड एज अपर ठाणे. यस, द रिजॉर्ट इज स्प्रेड ओवर 22 एकर्स. सो वंस यू गो अप यू कैन सी द एंटायर ठाणे. वन साइड यू कैन सी भिवंडी. देन पीपल थिंक भिवंडी इज वेरी पोल्यूटेड, बट नो, वंस यू गो अप यू सी द नेचुरल सराउंडिंग, फार्म, पूरा ग्रीनरी सराउंडिंग है. आपने भी देखा रहेगा एंड आप लोग आए, दैट इज कॉल्ड सनडाउनर, व्हेन द सन सेट्स. सो द change of color in the sky is simply amazing. So तो यहाँ पे बर्थडे पार्टीज, proposals. Yes, हमारे यहाँ स्काईडाइनिंग में कैसे टोटल 10 स्लॉट्स है. मॉर्निंग 12 से हमारे चालू हो जाते हैं जिसमें हम लोग ब्रंच देते हैं, उसके बाद हम लोग हाई टी देते हैं, डिनर देते हैं, लंच देते हैं
और हमारा एक सनडाउन का एक स्लॉट है वो भी देते हैं सनसेट का, जिसके लिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। और यहाँ जो कपल्स वगैरह आते हैं वो ज़्यादा करके एनिवर्सरी और बर्थडे के लिए आते हैं। इवन हम लोग टू पीपल के लिए भी टेबल पूरा देते हैं। सी द मिनिमम देयर इज नो टू पीपल, तो टू पीपल मिनिमम, मैक्सिमम 22। और ऐसा कोई 22 पीपल का पूरा टेबल बुक होता है तो हम लोग ऐसे इवेंट भी रखते, जैसे बेली डांस हो गया, लाइव ऑर्केस्ट्रा हो गया, वो सारा रखते हैं। तो होलसम मील, होलसम एंटरटेनमेंट एंड होलसम एडवेंचर, दैट्स स्काईडाइविंग। मजा आ गया। बुकिंग की डिटेल्स, कहां से बुक करना है, कितना कॉस्ट होगा, ऑल ऑफ दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।